हाँ, अब तुम्हारे जो है ना सब एकदम एक बढ़िया फॉर्मूला बताओ और देखो, और इनफैक्ट मैं मैथ्स का मास्टर हो की बात है, योर रैंक इन जेई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यस दिस रूल ऑलवेज वर्क। जो आपकी रैंक आने वाली है ना, जेई मेंस बोल दो चाहे जेई एडवांस बोल दो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपकी केमिस्ट्री में क्या हालत है। नहीं फिजिक्स सर ये होती है, नेचर समझाती है, मैथ्स ये है, चलो समझ में आया। हम फाइनली चलो नेचर वेचर ये तो चलो फिजिकल एप्लीकेशन है ये समझ में आता है। सर हमारा मेन मुद्दा क्या है यहाँ पर इकट्ठे होने का, ये था सर जिसके लिए आपने हमें बुलाया और आप खुद आए, वो यही बात थी और इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर केमिस्ट्री एंड दिस इज 100%। जो इंसान इस बात को आज तक नहीं जानता था बेटा, आज ही लिख ले अपनी स्क्रीन या अपनी दीवार पर, सबसे बड़ी चीज यही लिखी हुई होनी चाहिए ताकि ये बात आपको बार बार रिमाइंड करवाती रहे कि भैया केमिस्ट्री पे ध्यान दीजिए। समझ में आया? अब सुनो, अब इसकी तुम वैसे ही इंटेंशन समझ सकते हो कि एक मैथ्स का टीचर बार बार ये बोल रहा है कि ये पढ़ो भैया रैंक आएगी। हाँ बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं मैथ्स में, सर मैं तोड़ू हूं, कोई भी सवाल करवा लो कर देता हूँ, फिजिक्स मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती है अंडरस्टैंडिंग, पेपर में जब नंबर आते हैं तो भैया ध्यान सुनना, एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसकी टॉप रैंक आई हो और वो बोले कि मुझे केमिस्ट्री नहीं आती थी या मेरे केमिस्ट्री में स्कोर कम। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, इनफैक्ट जेई, एक बच्चे की कहानी बताऊं तो जेई एडवांस में उसके मैथ्स के पेपर वन में फुल में से फुल मार्क्स थे, फुल, इनफैक्ट पेपर आसान आया था मैं मानता हूं, और दूसरे में भी लगभग फुल के बराबर थे, 90% मार्क्स थे मैथ्स के और 60-40 उसका फिजिक्स में था, केमिस्ट्री साहब जी एडवांस साहब रैंक आई जैसे बोलते हैं ना वो लाखों में, समझ पा रहे हो? तो आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री कितनी स्ट्रांग है वो अच्छी बात है, होनी चाहिए स्ट्रांग, बट सर ये डिसाइड करती है रैंक, और हम सभी लोग मतलब तुम सभी लोग इसी चीज के ही पीछे भाग रहे हैं। समझ में आएगी नहीं? चलो